देश में जारी पूर्णबंदी के बाद से दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर जाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। विपक्ष भी केंद्र सरकार की बद इंतजामी को लेकर सवाल उठा रहा था, लेकिन जब सरकार की नींद खुली तो कामगारों को घर वापसी की इजाजत दी गई, साथ ही स्पेशल ट्रेन भी शुरू की। लेकिन जब इस ट्रेन के किराए की बात सामने आई तो एक बार फिर सियासत तेज हो गई। राज्य सरकार ने केंद्र को घेरना शुरू कर दिया। तो क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में तालाबंदी लागू कर दी है, जिसने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की मुसीबत भी बढ़ा दी है। वहीं कामकाज ठप होने से राज्य सरकार भी वित्तीय परेशानी से जूझ रही है। काफी वक्त से राज्य सरकारें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी वित्तीय पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने राज्यों की मदद करने की बजाय उन पर और आर्थिक भार डाल दिया है। जी हाँ, दरअसल सरकार ने हाल ही में देश के कई राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों और पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दी है। देश के चुनिंदा रूट पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा ट्रेन में खाने पीने के सामान भी फ्री दिए जा रहे हैं। लेकिन जब सवाल उठा कि रेलवे की ओर से किए जा रहे इस खर्च के पैसे कौन देगा, तो इसके जवाब में रेलवे ने बताया कि किराया संबंधित राज्य सरकारों से लिया जाएगा। केंद्र के इस फैसले पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। भूपेश बघेल ने कहा कि कामगारों के लिए ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से पैसा नहीं लेना चाहिए, ये हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि बेहतर रोजी के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ से कई राज्यों में कामगार जाते हैं, उनके आने के लिए हमने केंद्र से ट्रेन चलाने के लिए बात की थी। कोटा में फंसे राज्य के छात्र बस से आए, उन्हें दो दिन का वक्त लगा और कठिनाई भी हुई, इसीलिए हमने ट्रेन चलाने की अपील की थी। ट्रेन भारत सरकार की है और कामगारों को लाने के लिए राज्य सरकार से केंद्र पैसा ले, ये गलत है। केंद्र को इसमें सहायता देनी चाहिए। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किराए में स्लीपर क्लास के टिकट की पूरी कीमत रेलवे की किराए सूची के अनुसार लिया जा रहा है। साथ ही 30 रुपए का सुपर फास्ट शुल्क और प्रति यात्री भोजन के अलावा पानी के लिए 20 रुपए शामिल होंगे। इसका भुगतान राज्य सरकारें करेंगी। ऐसे में अब परेशानी झेल रहे राज्यों पर आर्थिक भार डालने को लेकर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।